ये त्यौहार का एक अपना महत्व है। हमारा उस बात के लिए सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि त्यौहार मनाइए, लेकिन पर्यावरण की चिंता करना बहुत आवश्यक है, पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से दशहरा मनाइए, दिवाली मनाइए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोशिश करिए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, पटाखे का इस्तेमाल कम हो, और जिसके कारण जो हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, वो सारी चीज़ों के लिए जो है वो उसको कमी बनाइए। ग्रीन दिवाली ये मुझे लगता है कि आज के इसमें बहुत तर्कसंगत है। थैंक यू। दशहरे का सबसे बड़ा संदेश जो है, हम इसको विजय दशमी का त्यौहार भी बोलते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है दशहरे के माध्यम से हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। और स्वाभाविक रूप से आज के इस युग में इस सारी चीज़ को लेकर के आवश्यकता भी अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है कि अच्छाइयों की दिशा में समाज को आगे ले जाना कठिन काम है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और ऐसी परिस्थिति में ये त्यौहार जो है हमको अपने संस्कारों को स्मरण कराते हैं, हमारे संस्कारों के साथ साथ में हमारे पुराने इतिहास को जो है स्मरण कराते हैं। ऋषि मुनियों के ज़माने से ये संदेश समाज के बीच में दिया जा रहा है, और आज भी इस संदेश का बहुत महत्व है। उस दृष्टि से मैं सभी प्रदेशवासियों को दशहरे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये त्यौहार जो है सभी परिवार वालों के लिए, पूरे समाज के लिए जो है वो खुशियाँ लाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि बुराई किसी भी प्रकार की है, चाहे जिस प्रकार से आज नशे का प्रचलन चल रहा है, इससे भी समाज को बाहर निकालना है, ये भी एक बुराई है। इस बुराई से भी अच्छाई की तरफ निकलना है, और उसके साथ साथ में समाज के हर वर्ग में, आप जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में बुराई, एक मात्र क्षेत्र में नहीं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बुराई किसी न किसी रूप में विद्यमान है, किसी न किसी रूप में बुराई देखने को मिलती है। और ऐसी परिस्थिति समाज जो है बुराइयों से मुक्त हो, हर वक्त हर वर्ग का समाज, हर क्षेत्र का, इसके लिए इस दशहरे का एक बहुत बड़ा जो है एक संदेश है।